Hi everyone, welcome back to my channel. और हमने history discuss कर रहे थे हम 1986 तक हमने discuss कर लिया था जहाँ पर कि RNN आए थे recurrent neural networks, ठीक है. उसके बाद 1989 के अंदर हमारे पास आए थे CNN. CNN means convolutional neural networks. तो इसके बारे में बाद में देखेंगे कि क्या होता है ये एक्चुअल में, पर इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि जैसे इसको आप पजल की तरह देख सकते हो. जैसे एक पजल में क्या होता है, 10-20 पीसेस होते हैं, है ना, छोटे छोटे पीसेस होते हैं. उन सारे पीसेस को इकट्ठा करके एक पजल कंप्लीट होता है, ठीक है. तो वैसे ही CNN जो है एक पजल सॉल्वर की तरह ही है. मतलब करता क्या है वो, जैसे आपने एक उसको पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेता है. हर एक छोटे छोटे पार्ट को वो अंडरस्टैंड करता है, और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो पूरी की पूरी पिक्चर को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है. और ये समझता है कि उस पिक्चर में है क्या, पैटर्न्स का यूज़ करके, ठीक है. तो इसका CNN को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब जैसे एक रूम है आपके पास, ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर आपको डिटेक्ट करना है कि टेबल कौन सी है, इसमें चेयर कौन सी है, बॉटल कौन सी है, ठीक है. मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उस काम के लिए आप CNN का यूज़ कर सकते हो. ऐसे ही एक्सरे से आपको डिजीज़ फाइंड आउट करनी है कि कौन सी बीमारी है, ठीक है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो CNN के थ्रू. तो ये 1989 के अंदर यही हुआ था कि उन्होंने ये बताया था कि CNN का यूज़ करके हम इमेजेस को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है. और जैसे CNN में होता क्या है, लेयर्स होती हैं. कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मतलब नेटवर्क होता है एक लेयर्स का. लेयर्स होती हैं बहुत सारी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे कर करके बहुत सारे लेयर्स हैं. जो फर्स्ट वाली लेयर है वो इनपुट लेयर है हमारी, जो लास्ट वाली लेयर है वो आउटपुट लेयर है, और कुछ मिडल लेयर्स हैं, ठीक है. मतलब इनपुट जाता है जो भी डेटा, वो कुछ प्रोसेस होता है अंदर, और फिर आउटपुट इसका जनरेट होता है, ठीक है. ये होता है हमारा CNN के अंदर. और CNN और RNN में डिफरेंस यही है कि RNN पास्ट के इवेंट्स को याद करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करवाता है. मतलब एक सीक्वेंस बना लेता है, उसके थ्रू वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा सकता है. और CNN है एक पजल सॉल्वर की तरह, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करता है, और फिर पूरा एक पिक्चर को या एक पजल को वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है. उसके बाद 1989 के बाद हमारे पास 2000 में आया था. 2000 में एक न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल करके एक पेपर पब्लिश हुआ था. न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल, अब इसमें क्या था न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल में, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था कि डॉग इज बार्किंग, ठीक है, या अ डॉग बार्क्स, कुछ भी लिख लो, और डॉग बार्क्स, ठीक है. तो अब इसमें क्या है, डॉग है सब्जेक्ट और बार्क्स क्या है, वर्ब है, ठीक है. तो न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल में है क्या कि इसको आप समझ सकते हो कि जैसे एक रोबोट है जो कि वर्ड्स को और सेंटेंसेस को समझ सकता है, और उसके थ्रू एक स्टोरी जनरेट कर पा रहा है, ठीक है. और वो स्टोरी जो जनरेट करेगा वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करेगा. प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैसे, डॉग क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है. तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस को समझ समझ के इसने ये समझा कि पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए. सब्जेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी पहले ज़्यादा है, फिर वर्ब आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है. मतलब
ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वर्क करता है और एक लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टोरी क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं, या ट्रांसलेशन में, या फिर आपके पास एक इमेज है उसका एक कैप्शन क्रिएट करना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया 2006 के अंदर, 2006 में आया इमेज नेट डेटाबेस, ठीक है। ये जो था ये भी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के लिए ही था, ठीक है। फिर उसके बाद आया 2011 के अंदर, 2011 के अंदर सीरी आ गया हमारे पास, ठीक है। एप्पल ने रिलीज कर दिया सीरी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2011 के बाद, 2012 के अंदर, 2012 के अंदर आया एलेक्सनेट सीएनएन, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह का सीएनएन ही है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही है, पर इसका क्या काम था, इसके बहुत ज़्यादा लेयर्स थी सीएनएन के कंपैरिजन में, बहुत डीप लेयर्स थी, और इसके थ्रू इमेजेस को ट्रेन करना और प्रोसेस करना बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। फास्ट हो गया ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इमेजेस। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा डेटा सेट अगर ज़्यादा भी है हमारे पास, तब भी मॉडल को ट्रेन करना इससे आसान हो गया 2012 में, ठीक है। फिर आता है 2013 के अंदर, 2013 के अंदर वर्ड टू वेक ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका क्या काम था कि सिमेंटिक रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना वर्ड्स के बीच में ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे तीन वर्ड्स थे हमारे पास, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अ डॉग बार्क्स, ठीक है। ये तीन वर्ड्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, मतलब डॉग क्या है, एक एनिमल है या एक सब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। वो बार्क करता है, वो भौंकता है, ठीक है। तो डॉग का काम क्या है, बार्क करना। तो ये है रिलेशनशिप इन दो वर्ड्स के बीच में कि डॉग क्या करता है, वो बार्क करता है। तो ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली समझ आने लग गया मशीन को वर्ड टू वेक के इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद 2014 में, 2014 में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका कि नाम था GAN। GAN मीन्स जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी हमारी VAE, इसका मतलब है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ठीक है। तो यही मेन बेसिस था जनरेटिव AI की स्टार्टिंग का, ठीक है। GAN और VAE स्टार्टिंग थी जनरेटिव AI की। इसके आगे बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू।